जय विश्व जय ब्राह्मण। हम ब्राह्मण समाज और हमारा संगठन यही चाहता है लड़कियों के साथ बलात्कार करने वाले को आतंकवादियों से भी बुरी सजा मिलनी चाहिए, उन्हें रोड पे रास्ते पे जिंदा जला देना चाहिए, उस लड़की के सामने में जिंदा जला देना चाहिए ताकि वो लड़की मरने से पहले कम से कम इतना तो देखेगी जिसने उसके साथ गलत किया उसका भी वही असर हुआ। पता नहीं बलात्कारी क्यों भूल जाते हैं, वो भी उसी औरत के संतान हैं, उसके पिता भी उसी औरत के संतान है, उसकी भी बहन है। और बड़े बड़े नेता कहते हैं कि क्यों फांसी हो, फांसी क्यों होना चाहिए। उस नेता से हम लोग डायरेक्ट सवाल, सीधे सवाल करते हैं, आपकी बेटी के साथ बलात्कार कर लेगा तो क्या आप यही कहिएगा जो नहीं फांसी नहीं होना चाहिए, शर्म करो, फांसी का विरोध करने वाले शर्म करो, बलात्कारियों को मौत की सजा दो, एक महीने क्या एक घंटे के अंदर सजा दो। लड़की बोली मेडिकल हुआ पुष्टि होती है उसे सरेआम आग लगा दिया जाए। लोकतंत्र उसके लिए है जो लोग होते हैं, उनके लिए नहीं जो जानवर होते हैं। देवता ने भी दानव को मार दिया और देवता ने कभी ऋषि को नहीं मारा क्योंकि ऋषि लोग थे और दानव दैत्य थे, वो गंदा काम करते थे, घिनौना काम करने वाले के लिए कोई लोकतंत्र नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी साहब, आपने कश्मीर से 370 हटाया, आप हिंदुस्तान से बलात्कार हटाओ, नहीं तो विश्व ब्राह्मण संगठन फिर से परशुराम बन जाएगा और बलात्कारियों को काटना शुरू करेगा। जय विश्व जय ब्राह्मण।